भाई मैं अलका का सासरा बोल रहा हूँ, हमारा बेबी अभी तक घर पे आ नहीं है। बेबी अंकल आप एक काम कीजिए, उसके मोबाइल में कॉल कीजिए। ये आइडिया मेरे को तो आया ही नहीं था, बेबी करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में परेश रावल स्टारर अपकमिंग गुजराती लैंग्वेज फिल्म डियर फादर को लेकर, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आई थी काफी लंबे वक्त से। ऐसे में इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी और भयंकर अपडेट आ चुकी है, वो ये है कि इसकी रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दिया है और इसके साथ साथ इस फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो विनस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब ऐसे में बात करें ट्रेलर को लेकर, तो आपको याद दूँ जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि परेश रावल के इस फिल्म में डबल रोल होने वाले हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और जो उनका पहला कैरेक्टर है वो है फादर का, यानी कि फादर इन लॉ मेन तौर पे, जो कि गाइस इस फिल्म में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जब अचानक से जब परेश रावल बोले तो फादर इन लॉ छत से गिरते हैं, मुझे लगता है वो एक तरह का मजाक होगा, कॉमेडी होगी, लेकिन वो सीरियस डेथ थी, एक तरह से मर्डर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। और जो दूसरा परेश रावल की एंट्री तभी होती है जब पहला परेश रावल मर चुका होता है। कहने का मतलब ये है दूसरा परेश रावल होता है सीबीआई इंस्पेक्टर। कहने का मतलब यार ये है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है परेश रावल एक ही है, बस वो घुमा दिए स्टोरी पूरी के पूरी। मतलब कि वही जो सासरा काफ़ी बोलते हैं ना अपनी चीज़ों को लेकर डेस्परेट होते हैं ना, वैसे अपने बच्चों को लेकर डेस्परेट, मतलब कि कभी भी थोड़ी सी कहीं लेट हो जाए बच्चे उनके तो वो कॉल करता है और इतने फ़ोन घुमा देता है, मतलब कि जितने भी रिलेटिव्स हैं सब तक फ़ोन पहुँच जाता है, जिसके चलते मुझे लगता है कि वही चीज़ आपको ट्रेलर में देखने को मिल जाएगी कि जिसके चलते जो उनके बच्चे हैं उन्होंने ही उसका मर्डर किया है परेश रावल का, जो कि इस फिल्म में डियर फादर का रोल किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में पब्लिक भी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि एक फैमिली ड्रामा और एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। यार मिस्ट्री थ्रिलर तो है ही, एक्शन के बारे में हम भी नहीं कह सकते, इसलिए जाइए और जाकर ट्रेलर देखिए और ट्रेलर आपको भी सरप्राइज करने वाला है क्योंकि फिल्म आ रही है 4 मार्च को। तो आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर, आपकी राय क्या है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।